मेरा नाम है इंडियन आर्मी, मैं एक इंडियन आर्मी सोल्जर हूँ और यहाँ सारे एक सोल्जर इकट्ठे हुए हैं। डेट 16 जुलाई 2020 को आज एक जवान के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस द्वारा, और लाइसेंस के बाबत में हुआ है। यहाँ आधी जनता बिना लाइसेंस की घूम रही है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। और एक फौजी जवान जो कि बड़ी मुश्किल से वहाँ चाइना के साथ लड़ाई लड़के बड़ी मुश्किल के साथ एक महीना छुट्टी आया हुआ है, उसके साथ पुलिस ने कुत्ते की तरह मारपीट करके उसको गाड़ी में डाल के उसको वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाया, पूरा वीडियो नहीं बनाया, और उसको पुलिस स्टेशन ले जाके भी मारा है। और जब हमको जब खबर मिली, हम छुड़ाने उसको गए तो हमारे साथ पीएसओ ने अभद्र व्यवहार किया है और सारे को लेटर भिजवा के सबको सस्पेंड कर दूंगा और रोड पे ला दूंगा सबको, ऐसी धमकी दी है पीएसओ ने। जबकि हम लड़ाई करने नहीं गए, हम ना तो तोड़ फोड़ करने गए, हम सिर्फ उसको छुड़ाने के लिए गए थे और पीएसओ ने इस टाइप का हमारे साथ व्यवहार किया। तो यहाँ क्या इंडियन आर्मी की कहाँ इज्जत रही है? इंडियन आर्मी को बेइज्जती करने के लिए और ना कोई डरने वाला है यहाँ तो बहुत काम करते हुए, क्योंकि आधे फौजी हमारे ऑन ड्यूटी पे, कोई चाइना पे तो कोई पाकिस्तान पे। अगर ये वीडियो तुमने वायरल किया है एक जवान को फंसाने के लिए, ये वीडियो चाइना वाले भी देख रहे होंगे, पाकिस्तान वाले दुश्मन भी देख रहे होंगे, वो इंडियन आर्मी पे हंस रहे होंगे कि देखो पुलिस वाले कैसे एक जवान को मचड़ कर अंदर डाल रहे हैं। तो ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, तो हमको न्याय चाहिए, हमको वो जवान जमानत पे नहीं चाहिए, हमको उसका कोई गुना रफा दफा करके हमको बाहर चाहिए, क्योंकि जमानत तो किसी की भी हो जाती है, ठीक है? तो हमको वो जमानत नहीं चाहिए, हमको जैसा गया है वैसे वापस चाहिए।